वो इतने दिनों तक पृथ्वी पर रहने और बहुत सी चीजें होने के बाद मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता जिस दिन मैं एस्गार्ड वापस लौटूंगा। सभी के द्वारा मेरा कितना गर्म जोशी से स्वागत किया जाएगा। इस तरह के बड़े दिन के लिए मैं सामान्य रूप से तैयार नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कौन सा पहनावा सबसे प्रभावशाली होगा, ये वाला या ये वाला? या बस करो, मैं पहले से ही अच्छा दिखता हूँ, मुझे कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। लोकी वापस आ गया। क्या यहाँ कोई क्यों नहीं है? लोकी तुम यहाँ हो? यहाँ क्या हो रहा है? अब मुझसे ये मत कहना कि तुम एक दावत की योजना बना रहे हो। एस्गार्ड में कोई नहीं बचा है। क्या क्या हुआ? बस कुछ ही क्षण पहले सब अभी भी दावत कर रहे थे जब अचानक कुछ प्रकट हुआ और फिर वो बस सभी को ले गया। अंत में इस जगह पर केवल मैं ही बचा हूँ। थॉर की छोटी सी खुशी तुरंत गायब हो गई क्योंकि लोकी के लौटने पर कहानी शुरू हो गई। नहीं, बहुत खूब। ये पता चला कि देवताओं को गायब करने वाला प्रकाश टेलीपोर्टेशन जादू था। हालांकि न तो थॉर और न ही लोकी को पता था कि ये जादू किसने किया था जो उन्हें एक अजीब जगह पर ले गया। कुछ ही देर बाद उन्हें एहसास हुआ ये असल में एक कोई अजीब जगह नहीं थी, ये अभी भी एस्गार्ड था, लेकिन ऐसी स्थिति में जो इससे खराब नहीं हो सकती थी। यहां की महत्वपूर्ण इमारतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। ये सब क्या था? पलक झपकते ही सब कुछ बर्बाद क्यों हो गया? देखो ये वो एस्गार्ड नहीं है जिसे हम जानते हैं। अचानक एक छोटा सा झटका लगा जिससे दोनों देवताओं को शक होने लगा। हालांकि लोकी ने किसी कारण की वजह से अपनी उड़ने की क्षमता खो दी थी, इसलिए उसके पास दौड़कर जाना ही आखिरी तरीका था। थॉर लड़ने के लिए तैयार था अगर ये वही था जिसने एस्गार्ड को तबाह कर दिया था। हालांकि उन्हें उन विचारों को रोकना पड़ा। वो लड़की बिल्कुल उस मूर्ति के जैसी है। उसका पहनावा बिल्कुल मेरे जैसा है। मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। कोई आ रहा है? थॉर ने जिस व्यक्ति के बारे में कहा था वो एक राक्षस था। जैसे ही उसने देखा कि राक्षस उस अजीब लड़की पर हमला करने वाला था, थॉर इसे अनदेखा नहीं कर सका और अपने वीर स्वभाव के साथ उस लड़की की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़ा। राक्षस को ये पता नहीं था कि वो देवताओं के जाल में फंस गया है और जिसने इसकी योजना बनाई थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद मुसीबत की देवी लोकी थी। क्या तुम ठीक हो? ये छोटी सी चीज मुझे परेशान नहीं कर सकती। ये आखिरी बार होगा जब मैं इस रणनीति का उपयोग करके तुम्हारा सहयोग कर रही हूँ। रणनीति? ये प्रतिद्वंद्वी को फंसाने के लिए हारने का नाटक करने की रणनीति है। अचानक मेरे पीछे इस तरह मत आया करो। ठीक है, मैं समझ गया। तुम दोनों मेरे पीछे आओ। क्या मैं आमतौर पर उसकी तरह इतना गुस्से में रहता हूँ? तुम दोनों बिल्कुल एक दूसरे की नकल करते हो। जैसे कि हुआ, देवता हेमडाल की शक्ति से हमारे दोनों देवताओं को एक समान दिखने वाली दुनिया में खींच लिया गया था। जिन लोगों को यहाँ लाया गया था वे केवल एक विशिष्ट समय पर प्रकट हो सकते थे। दुर्भाग्य से हेमडाल के पास थॉर और लोकी को यहाँ लाने का थोड़ा ही समय था जब देशद्रोही उन्हें ले गए। यहाँ देशद्रोही वे थे जो अग्नि दानव सूरतूर की पूजा करते थे। उन्होंने एस्गार्ड को तबाह करके रैग्नारोक घटना को बढ़ावा देने की कोशिश की थी और अग्नि के ताज से सूरतूर को पुनर्जीवित करने के लिए एक रास्ता तलाश रहे थे। इस दुनिया में रैग्नारोक घटना को चलने वाली कोई और नहीं बल्कि लोकी की बेटी हेला थी। एस्गार्ड के सभी देवता बहादुरी से लड़ने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन हेला बहुत ही खतरनाक और क्रूर थी, इसलिए देवताओं का हारना निश्चित था। यहाँ तक कि हथौड़े मझूल नीर को भी हम नहीं रख सके। बस बहुत हो गया, क्योंकि ये इस पर बहुत निर्भर है। हमारी देवी थॉर लड़ नहीं सकती और अब हमें लड़ने के लिए मेरी योजना के अनुसार चलना होगा।
मैंने कहा बस बहुत हो गया, ये किसी देवता का युद्ध लड़ने का शह तरीका नहीं है। मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तो तुम अपने लोगों की रक्षा करने के लिए कैसे लड़ाई करोगी? मैं तुम्हें अपना म्योरनीर उधार दे सकता हूँ। वैसे भी मैं अब इस पर निर्भर हुए बिना भी लड़ सकता हूँ। मैं ठीक है, क्या हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए कि आतंक फैलाने वाले अग्नि दानव को कैसे रक्ष में किया जाए? क्या हो रहा है? चिंता की बात थी जब हेला को पता चला कि एस्गार्ड में अब कुछ और बिन बुलाए मेहमान हैं। थॉर, लॉकी, तुम लोग कहाँ हो? हेला, बिन बुलाए मेहमान, तुम्हें इस बर्बाद एस्गार्ड के बारे में सपने देखना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम सुरतुर को पुनर्जीवित होने के बाद रैग्नारोक को आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया जाएगा और यहाँ सब कुछ राख हो जाएगा। फिर युद्ध के शिकार लोग नरक में मेरे गुलाम बन जाएंगे। मेरी ताकत किसी से भी कम नहीं होगी। अरे तुम यहीं रहो, बाहर मत जाना। अगर वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे जैसी ही है, जैसे तुम पहले थे, क्योंकि मैं ऐसा ही हो रहा हूँ। मैं उसकी समस्या को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें अब और किसी को परेशान करने नहीं दूंगी। ओह, तब तुम्हारे पास पहले से ही एक और मजोलनीर हथौड़ा है। मजोलनीर अब ढूंढना इतना आसान हो गया है ना? हेला के मजाक से क्रोधित होकर देवी थॉर अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी और पहले वाली अपनी हार के बारे में भूलकर तुरंत हेला पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ी। इतिहास को दोहराने से बचाने के लिए देवी लोकी भी मदद के लिए दौड़ पड़ी। दुर्भाग्य से उसके इस चाल को हेला ने नियंत्रित कर लिया था। मझोलनीर के बिना थॉर कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें पहले की तरह एक बेकार इंसान में बदल दूंगी। अपनी बात को साबित करने के लिए हेला ने एक बार फिर मझोलनीर को नष्ट करने में संकोच नहीं किया। दुर्भाग्य से इस बार उसका ये इरादा सफल नहीं हुआ, क्योंकि रक्षा करने वाला प्रकट हो गया था। थॉर, बिजली का देवता, हथौड़े का देवता नहीं। बिजली के देवता के शक्ति के रूप में उसकी ताकत को कोई हरा नहीं सकता था। जैसे ही युद्ध छिड़ गया, ऐसा लगता था कि देवता लोकी ने अपने लिए कुछ और दिलचस्प ढूंढ लिया था। बिजली देवता की बिजली सच में डरावनी थी। थॉर की शक्ति को कम मत समझना। एक और थॉर, ऐसा लगता है कि तुम उस बेकार देवी से ज्यादा शक्तिशाली हो। अब तुम देखो। एक असली बिजली के देवता की शक्ति को देखकर देवी थॉर खुद भी उसकी शक्ति को प्राप्त करना चाहती थी। मुझे सिखाओ। तुमने क्या कहा? मैं भी थॉर हूँ, मेरे पास भी तुम्हारे जैसी शक्ति है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह शक्तिशाली क्यों नहीं हो सकती? ये कैसे होता है, मुझे सिखाओ। ताकत कोई ऐसी चीज नहीं जो खुद आती हो, ये एक ऐसी चीज है जिसको हमें किसी के बदले में पाना होता है। किसके बदले में? मुझे अपनी सबसे कीमती चीजों का आदान प्रदान करना होता है। अपने घमंड, क्रोध और जिद को छोड़ना पड़ता है। मैं एस्गार्ड के लोगों की रक्षा के लिए, अधिक शक्ति पाने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मैं आपस में बातें करना बंद करो, एस्गार्ड को नष्ट कर दो। एस्गार्ड के लोगों को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। मैं पूरी जगह को नहीं देख सकता। जहाँ तक हेला की बात है, उसे मुझ पर छोड़ दो। देवी थॉर को उनकी सलाह माननी पड़ी। जैसे ही देवता थॉर ने अनुमान लगाया था, देवी थॉर की शक्ति हेला के खिलाफ लड़ने के लिए काफी नहीं थी। ठीक इसी तरह शक्तिशाली देवता बिना किसी हिचकिचाहट के देशद्रोही का सामना कर रहा था। देवी थॉर के लिए उनका कार्य सभी लोगों का हीरो बनना था। हालांकि लोगों को बचाने के लिए हजारों राक्षसों का सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जादुई हथौड़ा मझोलनीर हाथ में होने के बावजूद देवी थॉर धीरे धीरे कमजोर हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे विरोधी थे। एक बिजली की देवी, लेकिन अपने हथौड़े पर इतनी निर्भर होने के कारण क्या उसे बिजली की देवी कहा जाना चाहिए? एक ऐसी व्यक्ति जिसके पास शक्ति नहीं है और जो दूसरों को राक्षस से बचाने की क्षमता नहीं रखती, देवी थॉर इस दाग को जीवित रखने पर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे अपनी सबसे कीमती चीजों का आदान प्रदान करना होता है। अपने घमंड, क्रोध और जिद को छोड़ना पड़ता है। मैं एस्गार्ड के लोगों की रक्षा के लिए, अधिक शक्ति पाने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। भगवान के ईमानदार शब्दों ने देवी थॉर को एक गहरा संकेत दिया। मैं समझ गई। ताकत कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुद से आ जाती है। मैं हमेशा अपने लिए जिया करती हूँ, जिसे मैं भगवान का अहंकार कहती हूँ।
लेकिन इस तरह की देवी होगा एसगार्ड के लोगों के बिना इसका एसगार्ड के लिए कोई मतलब नहीं है। एसगार्ड के लिए, एसगार्ड के लिए। मैं एसगार्ड के लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सभी एसगार्ड के लोगों के लिए। अंत में देवी ने अपने बड़े अहंकार को छोड़ने का फैसला किया। इसी क्षण उसकी जीवन एसगार्ड के लोगों से बंध गया था। बिजली की देवी की शक्ति दूसरों की रक्षा के उद्देश्य से जाग उठी और ये हेला की सेना को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम थी। धन्यवाद देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली की देवती, बिजली की देवी, आप सबसे अच्छी हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ। शायद उसे एहसास हुआ कि लोगों के प्रति उसकी जिम्मेदारी के साथ साथ ठोस होना और प्यार भी जरूरी है। बहुत अच्छा, मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकती हो। हमारी ताकत दूसरों को बांटने, समझने और उनकी मदद करने से आती है। याद रखे, म्योनिर पर बहुत अधिक निर्भर मत रहे। हम बिजली के देवता हैं, हथौड़े के देवता नहीं। मैं समझ गई, कोई बात नहीं, कम से कम मेरे पास अभी भी लोकी है। हेला को हराने के बाद दोनों देवता उसे वल्लाह के पास ले गए। हालांकि दोनों परेशान करने वाले देवता लोकी कहीं नहीं मिले। वहां केवल एक ठंडा द्वार था, रहस्यमय प्रकाश के साथ। लोकी एक ऐसे देवता थे जो अपने चालों और मजाकिया स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। वो न केवल बाकी देवताओं के साथ मजाक करते थे, बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का भी मजाक उड़ाते थे। इसके कारण ही मुसीबत के देवता को एक योग्य दंड दिया गया। एक बार पृथ्वी की यात्रा के दौरान लोकी की मुलाकात राजकुमारी यमीरा से हुई। वो सुंदर और बहुत अच्छी थी। उसने सोचा कि वो उसकी किस्मत है। क्या आप ठीक हो? हेलो, ये खूबसूरत राजकुमारी कौन है? ओह, लगता है कि आप इस राज्य से नहीं हैं। मैं राजकुमारी यमीरा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो सच में एक राजकुमारी है। मैं लोकी हूँ। अगर आपने मेरे बारे में सुना है तो आप जानती ही होंगी कि मैं कौन हूँ। देवता लोकी, आपसे टकराने के लिए मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि ये भाग्य का किया हुआ है। ऐसा अक्सर नहीं होता कि हम एक दूसरे से कहीं भी टकरा जाएं। सर, मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकती। क्यों? आप एक सुंदर राजकुमारी है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, और मैं आपकी ओर आकर्षित हो गया हूँ। सर, मेरे दिल में पहले से ही कोई है। वो मेथल्ड है, पड़ोसी राज्य का राजकुमार। शादी का आयोजन अभी नहीं हुआ है, क्या हमारे पास अभी भी मौका नहीं है? या आपको लगता है कि मैं आपके योग्य नहीं हूँ? मैं इन्हें कैसे मना करूँ? ये कृपया मुझे इसके बारे में सोचने दे। आप अपना समय ले सकती हैं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। कई बार ठुकराए जाने के बाद भी लोकी ने अपना इरादा नहीं छोड़ा। वो लगातार यमीरा का पीछा करता रहा। प्रिय देवी फ्रेया, प्रेम और सुंदरता की देवी, यदि आप देख सकती है कि आपका बेटा लोकी हमारे साथ क्या कर रहा है, तो कृपया मेरी मदद करें। नमस्ते राजकुमारी। ये बच्चा, ये अभी भी और खेलना चाहता है। ठीक है, माँ आप क्या कर रही हैं? मैं अभी व्यस्त हूँ। व्यस्त? क्या एक लड़की को परेशान करने में इतना व्यस्त रहना ठीक है? क्या गलत है, वो सिर्फ एक लड़की है। आप ये कैसे कह सकते हैं? वो एक राजकुमारी है जिसका पहले से ही एक मंगेतर है। अगर आप बीच में दखल देंगे तो क्या होगा? मेरी बात सुने, उस राजकुमारी को छोड़ दे, उनका रिश्ता बहुत जरूरी है, उससे भी ज्यादा। ठीक है, मुझे पता है कि आप क्या चाहती हैं। आपको चुनने के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है।
ठीक है, मैं अब उन्हें और परेशान नहीं करूंगा। क्या होगा अगर मैं नहीं कर सकता? अगर मैं उसे नहीं ले जा सकता तो उसे कोई भी नहीं ले जा सकता। उनके मन में जो योजना थी उसके अनुसार लोकी ने एक शांत चांदनी रात को चुना। राजकुमार मेथल्ड के भेष में बदल गया और महल के अंदर प्रवेश किया, जहां हर कोई दावत का आनंद ले रहा था। हे भगवान, मेथल्ड ने जो हार मुझे दिया था वो कैसे खो सकता है? ये दावत मेरे बेटे को अलविदा करने के लिए है। क्या कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मेथल्ड, क्या हम लोग कल के दिन नहीं मिलने वाले थे? कल? मैं आपसे बात करने के लिए कल तक का इंतजार नहीं कर सकता। आज एक अच्छा दिन है, मेरे पास भी कुछ कहने के लिए है। इस पल से मैं राजकुमारी यमीरा के साथ शादी से इनकार करता हूँ। मेथल्ड, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे दिल में पहले से ही कोई और लड़की है। उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करने के बाद मैं ये घोषणा करने के लिए आया हूँ। मैं यमीरा से और झूठ नहीं बोल सकता। आप मुझसे बेहतर किसी और के लायक हैं। मेथल्ड, क्या आपको हमारा किया हुआ वादा याद है? क्या ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है? तुम्हारे साथ सब कुछ अब अतीत की बात है। यमीरा, अब मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, हमारे बीच सब खत्म हो गया है। अब से मेथल्ड को मेरे राज्य में आने की अनुमति नहीं है। यदि कोई उसे देखता है तो उसे बिना दया के मार डालो। यमीरा, आप दुखी ना हो, हम निश्चित रूप से कुछ करेंगे। यमीरा, उसका पीछा करो, उसे कुछ भी मूर्खतापूर्ण करने मत दीजिएगा। हालांकि कोई भी राजकुमारी यमीरा का पता नहीं लगा सका। इसके कारण राजा का दिल टूट गया, इसलिए उन्होंने गलत निर्णय ले लिया। ये पड़ोसी देश राजकुमार मेथल्ड के राज्य के साथ युद्ध की घोषणा करना था। तब से दोनों देश, जिनमें असल में गहरी मित्रता थी, धीरे धीरे एक दूसरे के शत्रु हो गए और अंत में उन दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। नहीं। लोकी, ये फिर से लोकी है। माँ, फिर से क्या हो रहा है? आप मुझसे क्या पूछने की हिम्मत कर रहे हैं? बड़ी बात है क्या? ये सिर्फ एक शादी ही तो थी। क्या आप उन लोगों के बीच संबंध तोड़ने के बाद का परिणाम जानते हैं? सोचने के लिए अपने दिमाग का प्रयोग करें। ये युद्ध है। दोनों देश जो शांति और खुशी से रहते थे, अब वे अपने बच्चों की वजह से एक दूसरे की तरफ तलवार उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सब सामान्य है? क्या वहाँ युद्ध एक सामान्य बात नहीं? और राजकुमारी को जब मेरे जैसे देवता से प्यार मिल रहा था तो उन्हें गर्व महसूस करना चाहिए था। हर जीवन का अपना अर्थ होता है, क्या आप नहीं समझते? ठीक है। माँ, आप क्या कर रही हैं? देवी के हाथों के नीचे लोकी की सारी शक्ति के तरंगे उसके शरीर से निकली गई और उनके हाथों में केंद्रित हो गई। धीरे धीरे वो एक मुखौटे में बदल गई। अब से आपकी ताकत इस मुखौटे में रहेगी। केवल वही जो युद्ध को समाप्त करेगा, वही इस मुखौटे के अंदर की शक्ति का उपयोग कर सकता है। ये मत सोचना कि आप एक देवता है और आप जो चाहो वो कर सकते हो। अब से आप देवता नहीं रहोगे, आपको एक आम आदमी बनने की आदत डाल लेनी होगी। इंसान बनने के बाद लोकी युद्ध भूमि से प्रभावित लोगों में से एक था। न केवल उसे गरीबी की पीड़ा सहना पड़ा, बल्कि लोकी को अपने आसपास के गरीब लोगों को हिंसा से लूट होते हुए के दृश्य भी देखने पड़े। क्या एक दिन आएगा जब मैं भी उनके जैसा बन जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सर, आपके पास कुछ खाने को है क्या? एक सेकंड रुको। ये आखिरी चीज है जो मेरे पास बची है। कृपया सर। ठीक है, इसे ले लो। मुरझाए हुए सेब को लेकर बच्चा अभी भी उसे स्वादिष्ट रूप से चबा रहा था, जैसे कि उससे बेहतर कुछ भी स्वाद नहीं है। ऐसा दिल दहला देने वाला दृश्य देखकर लोकी ने धीरे धीरे अपनी एक तरफा सोच को बदल दिया। मैं यहाँ के लोगों के दुख दर्द को खत्म कर दूंगा।
ओह। लेकिन मुझे पहले इस भूखे पेट का इलाज करना होगा। एक दिन घूमते हुए सैनिकों के घर से बचा हुआ सामान उठाते हुए लोकी ने एक आदमी को सैनिकों द्वारा पीछा करते हुए देखा। लोकी का मुखौटा पहली बार कांपने लगा, जैसे कि ये संकेत था कि खतरे में पड़ा आदमी इसके योग्य है। धन्यवाद, अगर ये वही आदमी है तो आपको निश्चित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। नहीं, ये बदसूरत आदमी निश्चित रूप से राजकुमार मैथंड नहीं है। हमने इसका पीछा करके समय बर्बाद किया। अरे भाई, क्या आप ठीक हो? मैं, वे कहते हैं मैं राजकुमार मैथल नहीं हूँ, इसका क्या मतलब है? ये मेरा है। आप तो मैथिल्ड हैं। तो मैथिल्ड है जो इस मूर्खता के कारण हुए युद्ध को रोक सकता है। आपने मुझे बचा लिया। आप अपना इरादा तो नहीं बदलेंगे और मुझे उन सैनिकों को सौंप तो नहीं देंगे? मैं तुम्हें सौंप दूंगा। यदि ऐसा होता तो मैं तुम्हें बचाता ही क्यों? तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हारा यहाँ आना मना नहीं है? सच कहूँ तो मैं इस देश की राजकुमारी यामीरा का मंगेतर हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारी शादी खत्म करने के लिए किसने मेरा रूप बदल लिया था। ठीक उसके बाद यामीरा गायब हो गई। एक मंगेतर के रूप में क्या मैं इसे अनदेखा कर सकता हूँ? ओह, मैं समझ गया। मैं यहाँ राजा को खोजने के लिए आया था। ये बताने के लिए आया था कि वो मैं नहीं था, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। हर बार मुझे देखने पर मेरा पीछा करने लगते हैं। इतनी बार दौड़ने के बाद भी मैं यहाँ हूँ। वह व्यक्ति मैं था। आपका क्या मतलब? वो मेरे खराब दिन थे जिन्हें मैंने अभी तक बताया नहीं। मैं लोकी हूँ, शरारतों का देवता। लोकी, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं। कभी कभी गलती कौन नहीं करता। यहाँ कुछ समय रहने और मेरे द्वारा किए गए परिणामों को समझने के बाद मैं इसे बदलना चाहता हूँ। मैं आपको दोष मुक्त कर दूंगा। आप क्या सोचते हैं? मेरे दिमाग में अभी केवल यामीरा की सुरक्षा है। अगर हम उसे वापस ढूंढ सकते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सही है, यामीरा ही है जो इस युद्ध को समाप्त कर सकती है। ठीक है, हम यामीरा को ढूंढेंगे। यामीरा के बारे में मैथिल द्वारा शादी खत्म किए जाने के बाद वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने समृद्ध महल को छोड़ने और अपनी भावनाओं का पीछा करने को चुना। वो बस जंगल में खो जाना चाहती थी। गहरे जंगल में एक लड़की हमेशा जंगली जानवरों का भोजन बन सकती है। मदद करो, मेरी मदद करो। सौभाग्य से यामीरा का भाग्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। लड़की, तुम ठीक तो हो ना? उस दिन से सुंदर राजकुमारी को शिकारी के परिवार ने अपने साथ रख लिया। उन्होंने एक दूसरे का एक असली परिवार की तरह ध्यान रखा। हर दिन यामीरा अपने सौतेले पिता द्वारा लाए गए जंगल से शिकार के साथ स्वादिष्ट भोजन पकाती और युद्ध से पीड़ित लोगों की मदद करती थी। सब कुछ शांति से चलता रहा। फिर एक दिन हमने उसे ढूंढ लिया। आखिरकार हमने उसे ढूंढ लिया। यामीरा! नहीं, यामीरा, क्या बात है? मैं उस आदमी को नहीं देखना चाहती। उसे मेरे पास मत आने दो। तुम कौन हो? क्या तुम उन्हें चोट पहुंचाने वाली हो? पीछे हटो। हट जाओ। तुम उसे कब तक परेशान करना चाहते हो? ऐसा क्यों है? ऐसा लगता है कि तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती। तो अब क्या करें? मुझे कोशिश करने दो। कई बार मिलने बाद कहानियाँ सुनने, चित्र दिखने या यहाँ तक कि पुरानी यादों को याद दिलाने के बाद भी, लेकिन हर बार जब मैथिल का नाम या छवि की बात होती तो राजकुमारी यामीरा गुस्सा हो जाती और चली जाती। ऐसा लग रहा था कि यामीरा की याद में विश्वास हासिल करने के लिए सभी प्रयास और उम्मीद खत्म हो गई थी। राजकुमारी का अभी भी आपको माफ करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या ऐसी कोई याद है जो उसके प्यार को जगा दे? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? तुम उसे कब तक परेशान करना चाहते हो? मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। अगर वो फिर भी मना करती है तो हम चले जाएंगे। जैसे ही यामीरा ने हार देखा, उसने सब कुछ देखा। रोशनी, अच्छी भावनाएं, उसे सब कुछ याद आ गया।
हम मैथल्ड और यामीरा हमेशा साथ रहने की कसम खाते हैं, भले ही मृत्यु भले ही हमें अलग कर दे, हमारे दिल हमेशा साथ रहेंगे। मैथल्ड, इसका मतलब था कि राजकुमारी यमीरा ने मैथल्ड को कुछ हद तक माफ कर दिया था। यामीरा, तुम बिना परवाह किए मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मैंने कहा था, उसने नहीं। मैं वो हूँ, उस समय मैंने ध्यान से नहीं सोचा, बस अपने अहंकार को संतुष्ट और दूसरों को नष्ट करने और परिणाम की परवाह नहीं की। तो युद्ध के बारे में क्या? बच्चे, उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, वे लोग, उन्होंने अपने घरों को खो दिया, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। फिर हमें युद्ध रोकने के लिए जल्द ही कुछ करना चाहिए। इतना कहने के बाद ऐसा लग रहा था मानो मुखौटे को सब कुछ समझ में आ गया था कि क्या हो रहा है। वो जोर से कांपने लगा मानो वो इस बात से सहमत हो। चलो अपने हाथों को इस मुखौटे पर रखो। अपनी खोई हुई बेटी को अचानक सकुशल वापस लौटता देख राजा बहुत खुश हुए, लेकिन वो उस शख्स का चेहरा आज भी नहीं भूल सकते थे जिसने दोनों राज्यों के रिश्ते में उथल पुथल मचा दी थी। सबके सामने लोकी ने एक बार फिर सब कुछ समझाया, गलतफहमी दूर की, बिना बात के युद्ध को समाप्त किया। ये अगर ये एक सामान्य व्यक्ति है तो उन्हें सबसे कड़ी सजा मिलती, लेकिन आप देवता हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। चिंता मत कीजिए, मैं देवता नहीं हूँ। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरी माँ फ्रेया से पूछ सकते हैं। प्रिय देवी फ्रेया, जो शायद उस दिन से मुझ पर नजर रखे हुए हैं जब से मैं यहाँ आया हूँ, कृपया निर्णय ले। जैसे कि लड़की ने कहा, लोकी अब देवता नहीं है, इसलिए मैं बीच में दखल नहीं दूंगी। जो कोई भी अपराध करता है उसे उचित सजा मिलनी चाहिए। राजा ने लोकी को तुरंत मृत्यु की सजा सुनाई। आखिर में लोकी ने अपने अंत को स्वीकार कर लिया। इस समय मुखौटे ने लोकी को उन योग्य लोगों में से एक के रूप में पहचान लिया जिसके कारण युद्ध समाप्त हुआ था। इसलिए तलवार गिरने से पहले वो अपने मालिक को बचाने के लिए लौट आया। लोकी की शक्ति उसे वापस मिल गई थी, साथ ही इस बात का सबूत भी था कि वो बदल गया है। अब वो एक भावनाहीन या परेशान करने वाला देवता नहीं है। लोकी वापस आ गया। वाह